नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। एसेट्स, तीन दिनों से यही शब्द कांग्रेस की सियासत का केंद्र बिंदु बना है। पहले राहुल गांधी ने कहा कि गहलोत और सचिन कांग्रेस के एसेट्स हैं, फिर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अगर राहुल ने एसेट्स कहा होगा तो एसेट्स ही होगा। फिर केसी वेणुगोपाल जो जयपुर आए सबको सही करने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले सबको एकजुट करने के लिए, उन्होंने भी सही करने की मुद्रा यानी मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन के मध्य खड़े होकर दोनों के हाथों को आसमान में उठाकर बता दिया कि हम साथ हैं और ये दोनों एसेट्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ये कवायद भारत जोड़ो यात्रा में कोई विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए है, या फिर भारत जोड़ने के दौरान कांग्रेस के ये एसेट्स भी साथ में जुड़ जाएं इसलिए, क्योंकि हाथ में हाथ की मुद्रा के फोटो 2018 में चुनाव से पहले भी आए, चुनाव के बाद भी आए, मानेसर कांड के बाद भी आए और अब फिर से आ गए, जिनमें हर बार यही बताने की कोशिश की गई कि हम साथ साथ। आज बात इसी मुद्दे। दिस इज राजस्थान कांग्रेस। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है और राजस्थान सब एकजुट है, मैंने आपको कहा। वो ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कांग्रेस पार्टी इज यूनाइटेड इन राजस्थान। दिस यात्रा इज नॉट गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म इवेंट। इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को सबको आगे लेकर रखेंगे। दरअसल दो तरीके की यात्राएं हैं, एक भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी सियासी यात्रा। भारत जोड़ो में हम साथ साथ हैं, लेकिन क्या वाकई में सियासी यात्रा में साथ हैं? सवाल यह भी है कि कितने दूर और कितने पास हैं? कांग्रेस के अंदर भी यही सवाल है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक केसरी सिंह राठौर जी। आरसी चौधरी जी, हम साथ साथ हैं, सुकून दे रहा है? विजेंद्र जी, मैं जानता हूं आपके तल्ख प्रश्नों को और आपके एंकरशिप को भी जानता हूं, और आपने जिक्र किया 2018 का, आपने जिक्र किया मानेसर का। जब साथ साथ हैं तो नतीजे बोलते आए हैं। 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस बात का जिक्र करती थी, जब 2018 के अंदर जनता ने जनादेश दे के हमें आज स्थिति जो आपके सामने है। मानेसर के बाद में उपचुनाव हुए उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 और 4 पर चली गई, जिसको विपक्ष की भूमिका दी थी, इस राजस्थान की जनता ने उसको नकार दिया। आपने जिक्र किया आज का, 2023 के नतीजे आपके सामने आएंगे। ये सदैव हमारे लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत है जी, कि पार्टी के लिए पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करना है। जी, ये भी तो सच है कि इन सभी परिणामों के बीच में बयान भी आए हैं, निश्चित ऐसा तो नहीं कि इसके और 2023 के बीच में भी कुछ और बयान आ जाए। राजस्थान में कहावत है कि गुमड़ा अंदर नहीं होना चाहिए, गुमड़ा बाहर है तो इलाज है जी, है ना, मतलब मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने ठीक समझा। इसलिए अगर नेताओं की बात आई तो समाधान है, अंदर ही अंदर उबलते रहे तो उसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए तमाम जो दर्शक देख रहे हैं वो जानते हैं, और ये कांग्रेस के नेतृत्व की ताकत है कि पार्टी के हर मनमुटाव को, हर मतभेद को एक टेबल पे बैठ के, एक मंच पे बैठ के उसका समायोजन किया जाता है जी, और उसका समाधान निकाला। तो माने गुमड़े पे अंतिम ऑपरेशन था जो हो गया, निश्चित रूप से। ठीक है, केसरी सिंह राठौर जी, देखिए तस्वीरें वाकई में सुखद उस वक्त नजर आती है जब सब एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन एक साथ होते हुए क्या एक साथ है? मैं मानकर चल रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा में तो कम से कम एक साथ ही दिखाई देंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में तो एक साथ दिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो आज की तारीख में जिस कद पे हैं, और जो आज की तारीख में वो ही कांग्रेस हैं, देखा जाए तो वो परिवार ही कांग्रेस हैं। मैं यहाँ किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोलूँगा, मैं आपको इसका विश्लेषण करके अगर अपन देखें तो सबसे पहले जब ये यात्रा केरल से शुरू हुई है, कर्नाटक में अगर आप देखें तो तकरीबन 511 किलोमीटर राहुल गांधी चले हैं, 21 दिन उन्होंने कर्नाटक को दिए, और वहाँ हम जानते हैं कि अगले साल अप्रैल से लेकर मई के बीच में वहाँ चुनाव आ रहे हैं, और वहाँ की जड़ता को समाप्त करते हुए एक इनर्शिया मिला है वहाँ कांग्रेस पार्टी को। अब जैसे जैसे वो हिंदी भाषी प्रदेशों में आ रहे हैं, उन्होंने जैसे मध्य प्रदेश क्रॉस किया है और अब वो राजस्थान में भी आ रहे हैं, तो अब यहाँ जो आप सब जानते हैं कि यहाँ कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति है, कितनी भी अच्छी योजनाएं थी मगर ग्राउंड पे वो लोग क्रियान्वयन नहीं कर पाए, आपस की अंदरूनी लड़ाई थी, इन सब को एक बार के लिए ढक दिया जाएगा, और ये जो हाथ पकड़ के और हाथ उठाने वाली बातें वो यहाँ भी होंगी। आप देखेंगे कि सड़क पे एक तरफ उन्होंने गहलोत साहब का हाथ पकड़ रखा होगा, एक तरफ पायलट साहब का हाथ पकड़ रखा होगा, वो साथ चलेंगे और वो प्रोजेक्शन भी होगा उसका, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो कार्यकर्ता उनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जाए,
मगर अभी राजस्थान में अगर मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं तो अभी बहुत लंबा सफर है, और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस केरल में और कर्नाटक में अगर कोई जादू नहीं दिखा पाई तो इसका यहाँ आगे आने वाले समय में जो असर है वो खत्म हो जाएगा। जी अच्छा, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू आया, आपने भी सुना होगा, और आज फिर बयान आए, बयान आने के साथ हाथ ऊपर हो गए, क्या वाकई में ये तस्वीर पूरे तरीके से साफ है कि सचिन पायलट को लेकर, जिसे हम आलाकमान कहते हैं, गांधी परिवार कहते हैं, वहां कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है? देखिए, जैसा कि राहुल गांधी ने बोला कि ये उनके एसेट्स हैं, सही बात है। अब हम सब जानते हैं कि पिछले चुनाव में सचिन पायलट ने ग्राउंड लेवल के ऊपर कितनी मेहनत की थी। हम ये भी जानते हैं कि आज की तारीख में जब अनुभव की बात करें, योजनाओं की बात करें, लोगों को साथ लाने की बात करें, तो कांग्रेस में गहलोत साहब जैसा कोई है नहीं। होता ये कि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता तो शायद कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में अपनी पूरी चीज़ें लागू कर पाती। अब इसी तरफ अगर हम बीजेपी की तरफ देखें तो बीजेपी के पास ऊपर नेतृत्व स्ट्रांग है, बीच में जो भी कंफ्यूजन है वो आप और हम जानते हैं, मगर उनके पास में संगठन, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो संगठन है वो एकदम सेना की तरह काम कर रहा है। तो ये ऊपर और नीचे ये लोग मजबूत हैं। यहां अगर आप देखें कांग्रेस के अंदर तो बीच में कंफ्यूजन है ही, जो आपको पता है सब सर्वविदित है, और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं के मनोबल पे इस चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो अगर ये हो सकता है कि एक बार के लिए, वो कहते हैं मरम पट्टी और इलाज हो जाएगा, एक दो महीने के लिए अगर साथ दिखेंगे, साथ स्टेटमेंट आएंगे, मगर आप ये इंटरव्यू दोबारा देखें तो आप देखेंगे जहां गहलोत साहब खड़े, पायलट साहब खड़े, उनके चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट और वो अपनापन नहीं है। स्टेटमेंट जरूर है मगर वो भावनाएं दिख रही हैं, वो साजिश वाली भावनाएं या एक तरह की संघर्ष वाली भावनाएं दिख रही हैं। नहीं, लेकिन वो तो सियासी प्रतिद्वंद्वता है, उसमें तो वाकई में सियासत में सब कुछ चलता है। आरसी चौधरी जी, सही कह रहा हूं ना सर? ये तो सियासी प्रतिद्वंद्वता है, इसमें तो सब चलेगा, आगे भी चलेगा। विजेंद्र जी, इसमें कहीं कोई अगर मैं बोलूं और जनता ना समझे, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक कमरे में दो लोग रहते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक सीट है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो। और ये प्रतिद्वंद्वता नहीं, ये अपनी एनर्जी होती है, महत्वाकांक्षा होती है, जिसके अनुसार वो उसको पैदा एनर्जी पैदा करती है लोगों के साथ में, वो अपने कमिटमेंट्स को जोड़ता है, और यही जो ताकत है वो पार्टी के कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ती है, यही ताकत है जो पार्टी के अंदर एसेट्स बनाता है किसी व्यक्ति को। इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कौन नहीं चाहेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या तुम विधायक नहीं बनना चाहते, कोई दूसरा नहीं बनना चाहते, अगर ऐसा मैं मना करूंगा तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन राजनीति के अंदर एक विचार है, उस विचार से ऊपर व्यक्ति को महत्वाकांक्षा नहीं लेके जानी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की ताकत है। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि अगर ये तस्वीरें सामने नहीं आती तो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को एक संघर्ष करना पड़ता, एक खास तबके का संघर्ष करना पड़ता, क्योंकि दूसरी तरफ आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही थी। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से भारत जोड़ो जो यात्रा है वो राजनीतिक यात्रा नहीं है, वो यात्रा है एक इस देश की यात्रा, इस देश की जो विविधता है, इस देश के अंदर जो अनेकता है, जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत को पुनर्जीवित, पुनर्संगठित करने की एक यात्रा है। वो यात्रा है तिरंगा लेके, वो यात्रा है हम सब की, वो यात्रा है उस हर व्यक्ति की आवाज की जो अपनी आवाज को देश की संसद तक पहुंचाना चाहता है, केंद्र में बैठी हुई सरकार तक पहुंचाना चाहता है, जो इस देश का अतीत है उसको वापस पुनर्संगठित करके और दुनिया के अंदर एक संदेश देना चाहता है, वो भारत जोड़ो यात्रा है। उस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आप जैसे प्रखर पत्रकार भी हैं, उसके अंदर लेखक भी हैं, फिल्मकार भी हैं, बहुत से जो लोग हैं, सामाजिक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, वो तमाम जो लोग जुड़ रहे हैं, यही इस देश की और इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और जो जिन लोगों की इससे दिक्कत है उनको बेहद विचलन होता है, और विचलन के साथ साथ इस यात्रा का नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी पे। लेकिन निजी हमले लगातार, सवाल तो ये गंभीर है ना सर, कि 20 अक्टूबर को नए अध्यक्ष मिले थे, फिर एक बयान आया था कि दो दिन के अंदर राजस्थान का दौरा होगा, चीजों को समझा जाएगा, स्थिति को समझा जाएगा। आज 29 नवंबर को केसी वेणुगोपाल आते हैं और वो भारत जोड़ो को लेकर दोनों के हाथों को ऊपर करवाते हैं और कहते हैं कि हम साथ हैं। मेरा सवाल यह कि वाकई में अगर पार्टी की फिक्र होती, अगर संगठन की फिक्र होती, राजस्थान की फिक्र होती, तो सर इन 1-1.5 महीने के अंदर वो स्थिति बहुत पहले भांप ली जाती, तुरंत उससे भारत जोड़ो यात्रा से पहले एकजुटता का संदेश देने की जरूरत कहां? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से समय को लेकर अपने अपने परसेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि पार्टी का जो नेतृत्व है लगातार इनके साथ में संवाद करे थे, तमाम जो जिन नेताओं का आपने जिक्र किया वो यात्रा के अंदर समय समय पे साथ नजर आए थे, यात्रा के अंदर नजर आए थे। जी, इसलिए मैं सोचता हूं कि नेतृत्व के साथ में संवाद का सिलसिला रहता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कब आता है ये किसी के लिए प्रासंगिक हो सकता है? वही तो कह रहा हूं सर, चिंता आलाकमान को इस बात की नहीं थी कि राजस्थान कांग्रेस में क्या चल रहा है,
चिंता इस बात की थी कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस में क्या चलने वाला है। एग्जैक्टली और इसलिए ये हुआ है। बिल्कुल सही। विजेंद्र जी और राठौड़ साहब दोनों का ही अपना एक नजरिया हो सकता है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ में कहना चाहता हूँ, आज हमारा पार्टी का नेतृत्व खड़गे साहब कर रहे हैं और जिस घटना का आप जिक्र करें उससे पहले भी खड़गे साहब आए थे, उन चीज़ों को जानते हैं। केसी वेणुगोपाल साहब पूरे यात्रा के साथ में लगे हुए हैं, संगठन के महासचिव हैं, कर्नाटक मध्य प्रदेश तमाम स्टेट्स के साथ में, ये यहाँ पे भी आए। आज भी वेणुगोपाल जी ने उस बात का जिक्र किया जो उन्होंने उस जगह को, जो आपने 20 अक्टूबर के बाद में जो मीटिंग हुई और वेणुगोपाल साहब का बयान आया था, आज उन्होंने फिर इस बात में कहा कि जो भी मंत्री हैं, जो भी नेता हैं जी, उन्होंने तो पार्टी से बहुत कुछ पाया है, लेकिन पार्टी के असंघ के कार्यकर्ता, पार्टी के असंघ के नेता और पार्टी का नेतृत्व आज पैदल यात्रा करके इस देश के अंदर जो पार्टी की ताकत को बढ़ा रहा है, इसलिए ऐसे जो कोई भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उसको कोई माफी नहीं की जा सकती। उन्होंने प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनसे उस पर रिपोर्ट मांगी है। फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जब निश्चित रूप से मतभेद किसी मुद्दे पे हो, प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि भैया भारत जोड़ो यात्रा में अच्छे से काम कीजिए। विजेंद्र जी, एक नॉन पॉलिटिकल बात, प्रेशर ठीक है, हमारे साथ बीजेपी नेता माधवराम चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। माधवराम जी, सर फोटो पॉलिटिक्स ही कह लीजिए लेकिन कम से कम एकजुटता दिखाई तो देती है, ऐसे फोटो बीजेपी में भी कभी दिखाई देंगे या नहीं देंगे? माधवराम जी, विजेंद्र जी जी, अभी मैं आरसी साहब को सुन रहा था, इनकी पार्टी में जो चल रहा है वो तो इनको मुबारक हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी में कभी भी आपने देखा होगा कोई भी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो पार्टी में कभी पार्टी लाइन से हटके किसी ने स्टेटमेंट दिया हो। सर इस शब्द का बहुत जरूरी इस्तेमाल होता है, मुझे बताइए कैडर का मतलब क्या होता है? कैडर का मतलब यह होता है कि जो ऊपर से जो निर्देश, किसी भी पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता जो निर्देश देते हैं उनको नीचे फॉलो करना होता है जी। और संगठन भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और संगठन की ताकत पे ही भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में 18 राज्यों में आपको पता है आज सत्ता है और शासन कर रही है जी। तो आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे कितना बड़ा कोई लीडर होगा, उस लीडर को जब अगर ऊपर से कोई निर्देश होते हैं या शीर्ष नेतृत्व से निर्देश होते हैं तो उसका अक्षर तक पालना होती है और उसमें कहीं भी कोई नेता का, आपने चाहे कर्नाटक के येदियुरप्पा जी ले लिए, चाहे राजस्थान के नेताओं में भी आप कह सकते हैं कि ये चीजें क्योंकि समय समय पे बनाते रहते हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक भी स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता का बता दीजिए जिसने किसी सीमा को नंगा हो जी। और उसके बाहर सुनिए सर, बयान आया था कि कुछ लोग जहाज से ही घूमते हैं, हवा में घूमते हैं, मैं तो जमीनी नेता हूं, मुझे क्या पता, याद है या भूल गए सर? नहीं नहीं, ये बात एक ये नहीं है कि पार्टी लाइन किसी ने फिक्स कर दी, उस लाइन को क्रॉस किया हो। निश्चित तौर पे जमीनी नेता होते हैं, जमीन पे काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, ये सारे मायने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के होते हैं, परंतु आपने ये देखा कि इतने दिन में आप किसी भी नेता का कोई स्टेटमेंट, राज्यपाल से मिलने जाते हैं सर, बगल के बंगले में एक बड़े नेता होते हैं आपके ही जो रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन तक संदेश भी नहीं पहुंचता है, वो साथ भी नहीं आते हैं, ये भी याद या भूल गए सर? नहीं, आपने, मैंने एक बात कह रहा हूँ, जिस प्रकार इनमें जो हो रहा है, या हमारी आप बात करते हैं कि हमारे नेता वहाँ पे, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि भाई एकजुटता का जो संदेश फोटो के जरिए ही दिया जा रहा है, क्या वो उधर भी दिया जा सकता है? विजेंद्र जी बात तो सुनिए, मैं स्पष्टीकरण ही तो देता हूँ आपको। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सीमा लांघ के कोई भी नेता कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट हो तो वो भी आप दिला दीजिए मेरे को। आपने देखा कि राजस्थान में सरकार, कांग्रेस की सरकार 4 साल में बनने के बाद में जनता किस प्रकार त्रस्त है, कोई सुनने वाला नहीं है, इनमें तो आपस में जूते पार हो रहे हैं। सर फिर तो मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर ये बताइए बाई इलेक्शन क्यों हारते हैं? त्रस्त जनता को बीजेपी पसंद नहीं आ रही? बाई इलेक्शन हारना, पंचायती राज चुनाव जीतना, ये जो जनता तय करती है जी, जो परसेप्शन, वही जनता ना सर जो त्रस्त बता रहे हैं आप, वही त्रस्त जनता बार बार कांग्रेस को जिता रही है उपचुनाव में। हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ये सवाल बहुत गंभीर है और मैं इसलिए आपसे इसका चाहूंगा कि आप विश्लेषण अच्छे से करें। 20 अक्टूबर को नए अध्यक्ष मिले, कहा गया 2 दिन के अंदर राजस्थान की स्थिति को भांपा जाएगा, नेता को भेजा जाएगा। 29 नवंबर को केसी वेणुगोपाल आते हैं, हाथ ऊपर करते हैं और कहते हैं सब एकजुट हैं।
मेरा सवाल यह है कि क्या आलाकमान को चिंता राजस्थान कांग्रेस से ज्यादा इस बात की है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान कांग्रेस एकजुट नजर आए, बस यही एक चिंता है। जो आज तस्वीर बाहर आई है वो केवल उन 14 दिनों के लिए है। ये जो पूरा सेटलमेंट सिस्टम है या ये जो ये बीच का सिस्टम है, ये केवल और केवल मेक शिफ्ट अरेंजमेंट जिसे कहा जाता है कई बार, कि ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है केवल भारत जोड़ो यात्रा के लिए, क्योंकि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और वो नहीं चाहते कि राजस्थान में मीडिया उनसे ये सवाल करे कि दो गुट हैं, 4 साल से चल रहे हैं और फिर ऐसे में कोई गड़बड़ी हो, और राहुल गांधी बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसे सवालों का वो जवाब दे, और जाहिर तौर पे मीडिया पीछे नहीं हटेगी। दूसरी बड़ी बात है कि सवाल बार बार ये उठता है कि कुर्सी किसकी, इसका जवाब भी राहुल गांधी नहीं देना चाहते। और इससे बड़ी बात है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अब तक जो यात्रा को जो कुछ भी समर्थन मिलता आया है राजस्थान से, वो ज़्यादा उम्मीद करते हैं क्योंकि राजस्थान में जो है सरकार है और समर्थन ज्यादा मिलना चाहिए। और जाहिर तौर पे इसको ये भी देखा जाएगा कि अगले साल चुनाव है तो राहुल गांधी की 14 दिन की यात्रा कुछ बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगी, और वो ये भी चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन चाहे गुर्जर समाज की तरफ से या किसी और की तरफ से ना नजर आए। तो केवल और केवल जो आज केसी वेणुगोपाल आए थे वो तैयारियों का जायजा तो बहाना था, ये समझाने आए थे कि मतभेद नजर ना आए, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसे बहुत भव्य, खूबसूरत, बिना मतभेद का और बहुत ही सक्सेसफुल दिखाना है जी। और अब ये जो 14 दिन का मेकशिफ्ट और मैं उम्मीद करूं कि उस यात्रा के दौरान ये तस्वीरें भी सामने आएंगे जिसमें राहुल गांधी फिर बीच में होंगे, और एक तरफ मुख्यमंत्री चहलकदमी कर रहे होंगे और दूसरी तरफ सचिन पायलट चहलकदमी कर रहे होंगे, और साथ में तीनों के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट होगी जैसे कभी कुछ था ही नहीं और आगे भी कभी कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा अलवर पहुंचेगी और अलवर में महासभा करके जब वो हरियाणा की तरफ निकल जाएंगे, मेवात की तरफ निकल जाएंगे, तब आपको एक बार फिर राजस्थान में बयानबाजी नजर आएगी, आपको फिर एक बार सोशल मीडिया पे ये नजर आएगा कि कुर्सी किसकी होगी, आपको फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारी तरह की चीजें, और आप गुड्डा से उम्मीद कर सकते हैं, आप और भी बहुत सारे विधायकों से उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आला कमान के लिए चिंता राजस्थान है, राजस्थान में दोबारा सरकार लाना है, या केवल और केवल भारत जोड़ो यात्रा जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं मानती। ये कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो की है, इसका तो राहुल गांधी भी खुद कह रहे हैं कि कौन राहुल गांधी, मैं तो भारत जोड़ो आपके लिए राहुल गांधी हूं, मैं खुद के लिए राहुल गांधी हूं ही नहीं, अब तो वो भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस की जितनी बची कुची पार्टी और संगठन है वो केवल एक ही चीज देख रहा है, गुजरात का चुनाव नहीं देख रहा, हिमाचल का चुनाव नहीं देख रहा, आगामी कर्नाटक का चुनाव हो या जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हो सकते हैं, कुछ भी नहीं देखा जा रहा, केवल पूरी कांग्रेस पूरा संगठन इसी चीज में लगा हुआ है, या पूरी सोशल मीडिया, या कह सकते हैं कि जो पूरा फाइनेंशियल अरेंजमेंट इसी चीज में लगा हुआ है कि राहुल गांधी की यात्रा सक्सेसफुल हो जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि राहुल गांधी की इमेज मेकओवर इसमें हुई है, पहले से बेहतर हुआ है इमेज मेकओवर, जो लोग हैं उनके बदलाव पर। क्या सवाल विजेंद्र एक उठता है, क्या वोट जो है वो कन्वर्ट करा पाएंगे इस रैली पर, इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा से, पसीना बहाने से चेहरे पर निखार आता है, ये सच्चाई है, निखार आता है, और वो निखार उनका सियासी तौर पर दिखाई दे रहा है। आरजी चौधरी जी, एक कंफ्यूजन होती है सर, बड़े नेता तो आपस में मिल लेते हैं, वो बड़े नेता हाथ भी मिला लेते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता उनके लिए नीचे जमीन पर काम कर रहे होते हैं ना, और वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े होते हैं, क्या वहां वो कंफ्यूजन खत्म होता है कि भाई पहली भाई कई बार हो चुका है, फिर हम एक दूसरे के खिलाफ चले गए थे, क्या वो एकजुट नजर आते हैं जमीन पर? विजयदेव, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आदित्य नागर ने जिस शब्दों का जो यूज किया, उपयोग किया, उन्होंने कहा युवराज, ये लोकतंत्र की भाषा तो है नहीं, राजघराने अभी तो रहे नहीं, ना राज की भाषा लोकतंत्र के अंदर होती। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये यात्रा को लेकर और पूरे संगठन को इसमें झोंक दिया, उन्हें पता होना चाहिए कि जो हिमाचल के अंदर चुनाव थे वहाँ पे रूपेश बघेल जी को और वहाँ पे सचिन पायलट जी को, हमारे नेताओं को जो जिम्मेदारी थी वहाँ पे, वो उसका निर्वहन कर रहे थे, गुजरात के अंदर जिनको जिम्मेदारी है वो वहाँ पे निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए ये बातें कह देना कि पूरी की पूरी ताकत इसी के अंदर झोंक दी गई हो, मुझे लगता है कि एक बेबाक पत्रकार के लिए ये ठीक नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए, निश्चित रूप से संगठन की सबसे बड़ी ताकत उस जमीन पे बैठा हुआ उस बूथ का कार्यकर्ता है जो पार्टी की रीति नीति की, सरकार की योजनाओं को लेके घर घर तक जाता है, उसके लिए कार्यकर्ता नेताओं के बीच में फंसा हुआ है सर,
उसको पता नहीं है किसकी रीति नीतियों को लेकर जाऊं। आपने कुछ कहा है, अदिति जवाब देना चाहती है शायद। अदिति बोलिए। बस मैं संक्षिप्त में दो जवाब देना चाहती हूँ। पहला कि आपके जो कार्यकर्ता हैं आज भी वो इसी बात का जवाब ढूंढ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल के आने के बाद भी केवल यही जवाब ढूंढ रहे थे कि अगले 9 साल सरकार कौन चला रहा है। बार बार ये जो बातें उठती हैं इसकी क्लैरिटी क्यों नहीं दे देता आलाकमान? इसलिए आपका जो संगठन है, जो कार्यकर्ता है, जो 4 साल से इसी स्ट्रगल में रहा है कि हमारा नेता है कौन। दूसरी बड़ी बात है कि मैं गुजरात होके आई, आपके गुजरात में कांग्रेस के अगर बेहतर चांसेस थे जीतने के तो जो लोग हैं, जो कांग्रेस का मूल वोटर था, वो ये कह कि हम चुनाव अगर जिता भी देते हैं कांग्रेस को तो चेहरा कौन है? भरत सिंह जी लड़ लेंगे, शक्ति सिंह कोविल लड़ लेंगे, शंकर सिंह बाघेला आ जाएंगे कि मेरा था। ये सभी वो लोग बोल रहे हैं जो आपके कोर वोटर हैं, जो आज भी आपको वोट दे रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि हमें, हमारे पास विपक्ष है ही नहीं, हमारे पास चेहरा है ही नहीं। तो आरसी चौधरी जी, हम जमीन पे रहते हैं, जमीन की बात पता करते हैं और तभी बोलते हैं। देखिए, आप जमीन पे रहते हैं, हम तो जमीन पे रहते नहीं। आप कहते हैं गुजरात के अंदर चेहरा कौन, और गुजरात के अंदर और अन्य राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा घोषित कर दिया, और कांग्रेस एक ही ऐसा दल है जो चेहरा घोषित नहीं कर पा रही है आपके हिसाब से। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस ने नहीं किया और दूसरे राज्यों में उन्होंने कर दिया तो निश्चित रूप से आप बताइएगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि कहां पे संशय, मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हमारे दोनों नेताओं की तजुर्बा और तरुणाई का संगम यहां पे जो राजस्थान के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी को विस्तृत करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी दूसरे लोगों को जो निष्पक्ष है उनको विस्तृत करता होगा। अरे अरे सर, अब आप बोले तो दीजिए, बोले तो दीजिए, आपका उत्तर मिलता रहता है। तरुणाई तो सर, तरुणाई के तो कई शब्द आप कहेंगे तो मैं गिना दूंगा जिनका इस्तेमाल हुआ है, जो तरुणाई के लिए। देखिए, आप निश्चित रूप से गिनाइए, आपके चैनल पे बैठ के आप नहीं गिनाएंगे तो लोग तो जाएंगे। थोड़ी ना कुछ कहेंगे सर। मैं कह रहा हूँ कि कभी अटल और आडवाणी की भाजपा होती थी, आज आडवाणी कहाँ है। ये आज सचिन पायलट और गहलोत जिस जिस अवसर पे जूट पड़ी, आज वो हंसती मुस्कुराती तस्वीर आपके साथ में। इस मुद्दे से अलग ही मैं कहना चाह रहा हूँ, नीचे मैं कहना चाह रहा हूँ, आरसी चौधरी और सीएम साहब ने कहा, मैं तो एक पॉजिटिव नोट के साथ बात कर रहा हूँ कि भाई जो तस्वीर सामने आई वो जमीन पर जो अलग अलग गुट के अंदर कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे वो भी हाथ मिलाकर एक साथ बैठ पाएंगे, मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे। देखिए सचिन जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता वो है जो कांग्रेस के निशान पंजे पे विश्वास करता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता वो है जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के वक्तव्य पे विश्वास करता है, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पे करता है, जो हमारे पार्टी का जो नेतृत्व है उस पे करता है। जो व्यक्तियों में बटा हुआ है वो कभी पार्टी का नहीं हो सकता, वो व्यक्ति का है। और मैं कहता हूँ विचार के लिए जो व्यक्ति काम करता है वो ना तो कभी संकट में हो सकता, ना कभी संशय में हो सकता, ना कभी कन्फ्यूजन में हो सकता। और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को लेकर आगे बढ़ता है कि जो हिंदुस्तान का डीएनए वो कांग्रेस का डीएनए। आप ये कह रहे हैं कि जिनको हम सचिन टीम कहते हैं, जिसको हम गहलोत टीम कहते हैं, दरअसल वो कांग्रेस ही नहीं है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति में विश्वास करेगा वो कांग्रेस का कैसे हो सकता है? कांग्रेस का संदेश तो सीधा है, जो गहलोत साहब ने आज कहा कि हमारा जो नेतृत्व कहता है। नारेबाजी भी अलग अलग सभाओं में होती है, वो व्यक्ति विशेष के लिए होती है। केसरी सिंह राठौड़ जी, मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सर, बहुत अच्छा लगता है सर, सारे एक साथ हैं, हाथ खड़े हैं, सब एक साथ मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता जमीन पर है और एक दूसरे के साथ मारकाट करता है ना सोशल मीडिया पर, क्या इन फोटो के जरिए वो भी हाथ मिलाते नजर आएंगे कि चलिए हमारे नेता एक हो गए, हम भी एक हो जाते? देखिए, क्लियर बात कर लेनी चाहिए। अभी हम टीवी पे बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सब फिलोसफिकल बातें। प्रैक्टिकल बात करें जमीन पर, पॉइंट नंबर वन, राहुल गांधी की रीब्रांडिंग की एक बहुत अच्छी कोशिश है और उसमें वो सफल भी हुए हैं, क्योंकि गुड़ गुड़ के ही भाटा गोल होता है नदी में। वैसे आप देखेंगे कि राहुल गांधी में आज इस लेवल पर वो आ गए हैं, आज जो उनका उज्जैन का भाषण था उसमें उनकी परिपक्वता दिखती है। आज की तारीख में उनको राहुल गांधी की इस ब्रांड को, इस इमेज को जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कैरी करना है, और उसके बीच में राजस्थान भी आता है। राजस्थान के अंदर एक मूल समस्या है जिसमें एक तरफ गहलोत साहब है, एक तरफ पायलट साहब है। अब उसका, जैसे अदिति जी ने बताया कि उसका एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट भी करना जरूरी है, उसका एक फौर इलाज की कार्रवाई या उसके फर्स्ट एड भी करना जरूरी है। उस फर्स्ट एड में आप मान के चलें ये किसी प्रकार से पॉसिबल नहीं है, एक बार दिखावे के लिए डर से सब कुछ करके प्यार से समझा के हो सकता है 14 डेज तक स्टेज मैनेज हो जाएगा, मगर जैसे ही राहुल जी यहाँ से चले जाएंगे, ये जो कार्यकर्ताओं में लोअर लेवल के ऊपर जो हम फिलॉसफी में कुछ भी बात करेंगे, ऐसा कार्यकर्ता वैसा कार्यकर्ता, प्रैक्टिकली वो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ग्राउंड पे अपना काम कर रहे हैं, वो उनमें वो समन्वयता मिसिंग है कांग्रेस में, तो मिसिंग है। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरसी चौधरी जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माधोराम जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अदिति, आपका भी शुक्रिया। ये एक परिवार के अंदर का मसला है, वो बार बार दिखाते हैं कि हम साथ साथ हैं, तो यकीनन साथ साथ होंगे, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। या मैसेज पहुंचे उससे पहले फिर वही तस्वीरें नजर आएं।